गुड आफ्टरनून। अभी टाइम है 1 बजे का और सबका लंच वगैरह हो गया है और मैंने लगाई थी आज मशीन, बहुत सारे कपड़े धुले और वो सब सूख गए हैं, उतार के भी लेके आ गए। और मैंने लंच में बनाया था कढ़ी चावल रोटी, तो मैंने उसकी रेसिपी कोई भी शेयर नहीं की है। और ये देखो इतने सारे कपड़े धुले थे मैंने, ये लेट रहे हैं बाबूजी और एक बाबूजी ये खड़े हैं, टीवी देख रहे हैं सब लोग मजे से। और आज है गणेश चतुर्थी तो मेरा है फर्स्ट, तो मैं बनाऊंगी प्रसाद। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ किचन में और बना रही हूँ लड्डू। तो मैंने कढ़ाई में घी डालकर बेसन भूनना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में मेरे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर तैयार हैं हमारे बेसन के लड्डू, ये पूरे 21 लड्डू हैं, इनका मैं भोग लगाऊंगी गणेश जी को, क्योंकि आज मेरा फास्ट है गणेश चतुर्थी का। और ये बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार लड्डू बनके तैयार कर लिया पूजा की तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुका है 4:15 बज रहे हैं। हमेशा मैं 4 बजे के आसपास पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। सुबह मैंने चाय पी ली थी, तो चलो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा के लिए ये मैंने बेसन के लड्डू बना लिए 21, इनका मैं भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर लिया है मैंने पूजा के लिए कुछ सामान, ये है फूल हैं 4 तरह के, और है धूप घास, घी बत्ती, चिरागी, थोड़ा गुड़, थोड़े चावल और है ये कलावा। तो चलो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर में, अब मैं गणेश जी को जल के छींटे लगाऊंगी गंगा जल के, उसके बाद मैं गणेश जी को वस्त्र की जगह कलावा पहना दूंगी गणेश जी की तस्वीर पे, उसके बाद मैं गणेश जी को धूप अर्पित करूंगी, फूल अर्पित करूंगी, चावल अर्पित करूंगी, गुड़ अर्पित करूंगी और उसके बाद लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। ये सब चीज़ करके लड्डुओं का भोग लगाने के बाद मैं चिरागी जलाऊंगी। और मैंने यहाँ पर 5 तरह के फूल लिए और धूप घास ली है, इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ हमेशा। यहाँ पर मेरी ज्योत भी जल गई है और धूप बत्ती भी मैंने जला दी है। सारी पूजा वगैरह करके अब मैं यहाँ पर कथा पढ़ने की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं पूरी पूजा कर लेती हूँ जो भी मैं करती हूँ कथा वथा पढ़ने से पहले। पूजा की तैयारियां हो चुकी है, मैंने गणेश जी को जल के छींटे दे दिए हैं और कलावा पहना दिया, उसके बाद मैंने धूप चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए हैं और गुड़ का भोग लगाया और उसके बाद लगाया बेसन के लड्डुओं का भोग। अब मैं पूजा कर लेती हूँ गणेश जी की। यह है गणेश जी की किताब, तो इसमें पूरे 12 महीने की कहानी है। और जैसे कोई एक फालतू जो महीना पड़ता है जो अधिक माह होता है उसकी भी इसमें कहानी है अलग से। तो सबसे पहले मैं ये कहानी पढ़ूंगी, उसके बाद गणेश जी का अर्थ चीज है वो पढ़ूंगी, गणेश जी स्त्रोत पढ़ूंगी, शांति पाठ पढ़ूंगी और इसमें मंत्र पुष्पांजलि है वो पढ़ूंगी, गणेश जी उपवास पढ़ूंगी, गणेश चालीसा पढ़ूंगी, उसके बाद 4-5 आरतियां हैं इस बुक में वो सब पढ़ूंगी। तो चलो अब मैं पूजा कर लेती हूँ, तो आप सब भी बोलिए एक बार मेरे साथ, बोल गणेश जी भगवान की जय। चलो अब मैं कर लेती हूँ पूजा, लगभग 1 घंटा लगेगा, उसके बाद कुछ खाऊंगी पीऊंगी और मिलूंगी आपसे पूजा करने के बाद। सबसे पहले मैं पूजा करूंगी, उसके बाद जल दूंगी और शाम को चंदन को जल देके तब खाना खाऊंगी। और जब मैं खाना खाती हूँ तभी पंडित जी के लिए खाना निकाल देती हूँ, तो मतलब पास में तो कोई है नहीं घर, तो इसलिए मैं सूखा सीधा निकाल देती हूँ और वहीं पे 5 लड्डू भेजूंगी, कुछ दक्षिणा लेके मंदिर में पहुँचवा देती हूँ। मंदिर में जो भी पंडित जी आते हैं वो ले जाते हैं। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मेरी पूजा हो चुकी थी और आ गई हूँ, अब मैं अपना ये क्या बोलते हैं फलार लेके, और बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई आज, क्योंकि आज धुले थे कपड़े तो बेडशीट तो चेंज होती, क्योंकि मैं 4-5 दिन बाद ही मशीन लगाती हूँ, जो जरूरी कपड़े होते हैं उन्हें 1-2 दिन बाद हाथ से धुल देती हूँ। और इधर ये मैं बाल्टी टब वगैरह सब सुखा के रखती हूँ अंदर, बस 2 बाल्टी रखती हूँ बाथरूम में, बाकी ये सब सुखा के अंदर रख देती हूँ। तो अब मैं ये फलार कर लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है, 4:30 बज रहे, उसके बाद करूंगी फ्रेश। मेरा फलार तो हो चुका था, बस मैंने बनाए थे व्रत वाले चावल, समा के चावल दूध वाले वो बना लिए थे, क्योंकि शाम को तो मैं खाना खाऊंगी जीरे की सब्जी बनाकर कोई भी, और खाना खा लेती हूँ पराठे वगैरह बना कर, चंदा निकलने के बाद जल देती हूँ
और यहाँ से मैंने बाल्टी वगैरह सब पीछे एक फ्लोर में रख दिया और अब करूँगी प्रेस। बाहर मेरी मशीन भी सूख चुकी है, पहले मैं मशीन को रखूँगी क्योंकि मैं ज़्यादातर मशीन को सुखा के ही इस वाले स्टोर में रखूँगी। यहाँ पर ये है स्टोर, तो यहाँ पर रखूँगी। ये मेरा पूजा घर भी है और बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर टीवी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं आजकल, टीवी ज़्यादा देखते हैं। और इधर हैं ये मेरे कपड़े, बहुत सारे कपड़े। आज मैं सारे कपड़ों पर प्रेस करके रखूँगी क्योंकि अभी मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ। बस एक बार 5 बजे जब आएंगे वो तो तब चाय बनाऊँगी, तब वरना 6 बजे तक फ्री हूँ। 6 बजे के बाद अपने खाना बनाने की तैयारियाँ करूँगी क्योंकि चाँद निकलेगा लेट, तब खाऊंगी मैं खाना। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ प्रेस। और प्रेस करने से यहाँ पर मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, तो प्रेस शुरू करने से पहले मैं सारे कपड़े सीधे कर लूँगी, उसके बाद प्रेस शुरू करूँगी। क्योंकि सारे कपड़े पहले सीधे करके रख लेते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और फिर फटाफट प्रेस करते रहो। बस जब मेरे पास टाइम होता है तो सारे कपड़ों पर ही कर देती हूँ मैं प्रेस। तो चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद जब शाम को बाहर निकलूँगी। अब वैसे तो मौसम ख़राब है, पर देखती हूँ प्रेस करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं डेली ही निकलती हूँ, तो मिलूँगी अब मैं प्रेस करने के बाद जब बाहर निकलूँगी। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, चलो जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कर लेती हूँ मैं प्रेस। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े प्रेस करके तय लगा दिया, अब इनको मैं अलमारी में लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम है 7:15 का, मैं निकली थी बाहर घूमने के लिए और यहाँ पर हो गई है बारिश शुरू। बस अब मैं चली जाऊंगी अंदर, करूंगी खाने की तैयारी। ये देखो कैसा गंदा मौसम हो गया है। बस अब मैं जा रही हूँ अंदर और बना देती हूँ खाना। यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं किचन में। मैंने आलू उबाल लिए थे, वो छील कर रख लिए हैं, मिर्च काट लिए, मसाले रख लिए हैं, प्याज काटे नहीं है क्योंकि आज प्याज खानी नहीं थी। बस सबसे पहले मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि मैंने आलू तो छील के रख ही लिए थे। आटा छानूंगी 350-350 ग्राम अंदाजा से, और उसमें 150 ग्राम के करीब सूजी मिक्स करूँगी। सूजी डालने से ना कचौड़ी बहुत क्रिस्पी बनती है, तो यहाँ पर मैंने सूजी भी छान ली है और आटे में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अजवाइन और डालूंगी नमक, सफ़ेद नमक। तो मैंने अजवाइन डाल लिया, ये अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ता है और पाचन भी ठीक होता है, इसलिए मैंने अजवाइन डाली है, कुछ नमक डाल लिया। और इसको मैं मिक्स कर दूंगी, पहले सूजी अजवाइन नमक तीनों चीज़ मिक्स करने के बाद मैं इसमें कोई भी मोमन डालूंगी, देसी घी या रिफाइंड। तो मैंने ये सब चीज़ मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें यहाँ पर तेल डाल लेती हूँ रिफाइंड। तो इसको मिक्स करूँगी क्योंकि ज़्यादा हो गया था ये, थोड़ा सा और डालूँगी, बाहर निकलने वाला था इसलिए मैंने पहले से रोका है, थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि एक हाथ से मेरे फोन पकड़ रखा था। तो यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और ये मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल लूँगी और उसको फिर मिक्स करूँगी अच्छे से। इनको सबको मिक्स कर लिया है मैंने, देखो कितना अच्छा हो गया तैयार। और यहाँ पर बनाने लग गई हूँ पिट्ठी, मैंने आटा तैयार कर दिया था पहले ही, आटा मैंने थोड़ा पतला ही तैयार किया था। और यहाँ पर ये पिट्ठी में मैंने थोड़े डालने हैं चावल, बनाए हुए चावल थे दिन में बनाए थे, तो इससे कचौड़ी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है, इस पिट्ठी बहुत अच्छी लगती है चावल मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने आलू ऊपर चावल डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, और डाला मैंने यहाँ पर नमक। तो ये सारी चीज़ मैं मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मैश करके रख लूँगी, और उसके बाद बनाऊंगी मैं कचौड़ी। और आटा मैंने पहले ही लगा के कर लिया था तैयार। तो ये थी पिट्ठी और ये था इधर आटा, और यहाँ पर मैंने रख दिया कढ़ाई। तो मेरा तेल यहाँ पर हो चुका है गरम, बस मैं कचौड़ी बनाती रहूँगी और सबसे पहले गाय के लिए 2 कचौड़ी निकाल दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कचौड़ी बनी थी, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें ऐसे बना के, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी और मुझे भी। तो प्लीज़ आप भी एक बार ऐसे ट्राई करें ज़रूर जैसे मैंने बनाई है। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ,
कचौड़ी सेकते टाइम अपनी गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर रखा था, मीडियम से स्लो की तरफ कर रखा था। जब भी हमारी कचौड़ी क्रिस्पी बनेगी, कचौड़ी क्या हम कोई भी चीज़ सेकते हैं जो भी फ्राई करने वाली होती है, तो हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे तभी हमारी चीज़ क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ हमारी कचौड़ी तैयार हो गई थी क्रिस्पी सी, और ये थी दही और चटनी के साथ। खा लीजिए, आप भी बताइए कैसी बनी हमारी कचौड़ी। टाइम है अभी 10 बज चुके और यहाँ पर हो रही है बारिश, तो मैंने जल दे दिया था 10:45 बजे और खाना खा लिया। और कमर की बजरिया बैंड, क्योंकि आज 1 मिनट को भी रेस्ट नहीं मिला, 5:30 के बाद लगी हुई हूँ। अभी तक 10 बज चुके हैं, बस अब दूध पियेंगे और सो जाएंगे। आज मैंने आपके साथ, मैं जैसे भी गणेश चतुर्थी की पूजा करती हूँ, छोटा सा रूटीन शेयर किया, शायद आपको पसंद आए। और आज मैंने बनाई थी खस्ता कचौड़ी आलू की, सिंपल वाली, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी, हम लोगों ने दही के साथ खाई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप मेरी वीडियो देखना पसंद करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल को एक छोटी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।